रील यू बनाते हो, ये रील क्या रहे? ये देख, ये ऐसा बना रहा। मैं तुम्हें प्यार करता हूं और तुम किसी और को प्यार करते हो, फिर भी मैं तुम्हें बोल जाऊंगा, ये ऐसा करते हो ना हैं? मोबाइल दिखाते दिखाते क्या मिलता है बे? अरे एप्पल यूज कर रहे हो तो क्या आधी दुनिया यूज कर रही है, तुम अभी यूनिक नहीं रहे। पेश है आपके सामने सेम सॉन्ग का चाइनीज वर्जन, सुन के मनमोहक हो जाओ और खुश हो जाओ बेटा। है क्या कुकड़ी ने कालो क्या सलाम साहब जी। अरे तुमने सॉन्ग देखा? मैंने बहुत मेहनत की है ब्रो कोरियोग्राफ करने के लिए, मैं मतलब मजाक नहीं हूं गाइस, मैं 3 रात से सोया नहीं हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं दिन में सो रहा था। करण कॉमेडी परफेक्ट। इस सॉन्ग में जो लिरिक्स मैंने लिखे ना गाइस, वो श्री चिंचुंग विंचिंग कोम दास जी को मैंने देख के मैंने उनसे दीक्षा ली और फिर मैंने ये लिरिक्स लिखे गाइस। चिंचिंग वांगचिंग योंग दास, आपने उनका नाम सुना नहीं है, मैं बताता हूं, चाइना की जो वॉल है, हाँ एग्जैक्टली चाइना की वॉल जहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, उसके पीछे एक तालाब है, उसके बाजू में एक ब्लू कलर की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के एग्जैक्टली बाजू में एक मोची रहता है, उस मोची के पिछवाड़े में उनका घर है। क्या बोला तूने? मोची के पिछवाड़े में उनका घर है, मोची के दुकान के पिछवाड़े में। साले अबे मोची पीछे के साइड, पीछे के साइड में करे उसका, और वो बढ़िया है, मतलब वो जो गुरु गुरु मतलब बहुत पहुंचे हुए गुरु है और वो ऐसे सॉन्ग बनाते हैं ना कि भाई 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 क्या बताए। फ्लैशबैक रीड माय लास्ट, सबका पड़ेगा तेरा भाई, तेरा भाई करेगा नाद मचाएगा। ए किसका फोन बज रहा है? कॉपीराइट देगा कह रहे हैं, आईफोन वाले कॉपीराइट देते उस सिंगटंग को। मेरे को पता है, मेरे को पूछो गाइस, ये कॉपीराइट देते हैं। चेक कवर, कवर में नहीं है फोन, सॉरी। ओ मी तो यार और प्रेम नहीं कर रहा, सैंकड़ों को निक 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 इच्छी कटकट है यार। एक मिनट मैं जरा अपने एप्पल के एयरपॉड्स वर्जन 2 राइट साइड में थे, उनको लेफ्ट साइड में रख देता हूँ, ठीक है? रख दिए गाइस। अरे साले नल्लो एप्पल यूजर, मैं तुमको बोलता हूँ, ये जो शाइनिंग मारते हो ना तुम, हाँ हमारे पास एप्पल है, एप्पल है, एप्पल लोगों को दिखाते हो और रील यू बनाते हो, ये रील क्या रहे? ये देख, ये ऐसा बना रहा। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम किसी और को प्यार करते हो, फिर भी मैं तुम्हें बोल जाऊंगा, ये ऐसा करते हो ना हैं? मोबाइल दिखाते दिखाते क्या मिलता है बे? अरे आप
एप्पल यूज कर रहे हो तो क्या आधी दुनिया यूज कर रही है? तुम अभी यूनिक नहीं रहे। एप्पल ब्रांड पहले बहुत यूनिक था, अलग अलग लोगों के पास होता था, नॉर्मल लोग नहीं ले पाते थे। अभी कोई भी उठ के एप्पल ले सकता है, इतना फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। टिकटॉकर्स रील पे आ जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम इंस्टाग्रामर्स हो गए, लेकिन तुम टिकटॉकर ही हो बच्चों, भूलो मत ये चीज। शाइनिंग, अबे भाड़े के कपड़े लेके शाइनिंग मारते हो, सच सवर के आते हो, वन साइड डीएसआर में फोटो निकालते हो, आईफोन में निकालते हो, उसके बाद अपना ही फटा पुराना कपड़ा पहन के जाते हो कि नहीं? अरे ये झूठी छानो शौकत क्यों? अभी ये देखो ये जैकेट, ये महंगा नहीं है, 550 का जैकेट है, डुप्लीकेट माल है, लेकिन लगता ओरिजिनल है कि नहीं? ये इम्पोर्टेड, डायरेक्ट बोलो ना डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट है बे साले लोफर। अरे उस दिन एक जगह पे मैं गया था ना, उस जगह पे मेरे दोस्त के बाल काटने थे बराबर, तो वहाँ पे एक टिकटॉकर था और वो बहुत ज़्यादा फेमस टिकटॉकर है, उसका नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, तो उसको देख के लोग इग्नोर कर रहे थे, लेकिन वो टिकटॉक पे इतना फेमस है ना, वन साइड फेमस। और वो जो बाल काटने वाला था वो क्या बोला होगा, अरे मैं ऐसे बोला, अरे वो है ना, तो बोलता अरे हाँ वो रोज वो आते जाते रहते हैं, वो हेयर का वो स्प्रे भी मारते हैं, रोज केसों को वन साइड बनाते हैं और जाते हैं। उसने मुझे पूरी डिटेल दी कि कहाँ से भाड़े के कपड़े लेते हैं, कहाँ पे जाके फोटो निकल, सब डिटेल उसको पता, और वो इज्जत भी नहीं दे रहा था। अरे ऐसा मत करो रे, जो हेयर रियल में दिखा ना, काहे की शो शाइनिंग चल रही है, मैं नहीं हूँ सर। किसी टिकटॉकर को अगर बुरा लग गया होगा तो चूतिया। निकल मैं नल्ले, इतना ही बोल सकता हूं। आई गो देवा, मी कास करते, मी पण आलतो, मैंने खुद टिकटॉकर की रील बनाई है, मैं क्यों उनको बोल रहा हूं? लेकिन मैंने शाइनिंग नहीं मारी, मैंने डीएसएलआर में भी नहीं बनाया ना, मैंने कुछ बैकग्राउंड बादशाह बनाया है, मैंने बस दीवार लकी, सामने पद्धतशीर लाइट, ऐसा मोबाइल और उसके सामने वही अपना टी शर्ट जो हमेशा स्क्रीन पे आता है, कुछ चेंजेस नहीं, इंजेस नहीं, शाइनिंग भी नहीं मार के, स्प्रे भी मार के, बाल वैसे यही अपने पुतारे जैसे बाल लेके मैं आया है कि नहीं? मेरा मत मत करो बे, नेचुरल है अपन एकदम। आपको मुझे देख के मूड ठीक हो रहा है, लेकिन मुझे आजकल इंस्टा की रील्स देख के मूड खराब होता जा रहा है। वो कह रहे हैं वो नया आइटम क्या लाए ला रे देना का टी, अरे काहे ते, मुझे एक बात बताओ ठीक है, एक लड़की आती है, एकदम सिंपल सी दिखने वाली लड़की आती है, वही वही वही, और आती है दरवाजे पे ऐसा ऐसा करते हैं और अचानक लाल हो जाता है, विचित्र लगता है। लड़कियों ऐसा मत करो यार, वो बहुत रिस्की है, मैं बोल रहा हूँ वो बहुत रिस्की है। जिन जिन ने बनाया है ठीक है, बनाया है मॉडल्स वगैरह वो ठीक है, लेकिन फिर भी वो रेड फिल्टर हटाया जा सकता है, ट्रस्ट मी इजीली हटाया जा सकता है। वीडियो एडिटर के पास, मेरे जैसे कमीने के पास ऐसी वीडियो दोगे, मैं 3 सेकंड में हटा के दे सकता हूँ वो वीडियो फिल्टर। अबे साले, बहुत रिस्की है, मत करो वो चीजें, करना है तो अच्छा कंटेंट बनाओ, एंजॉय करो, गाने भी नहीं गाओ फुल, वो नहीं गाओ तो वही वो डर सकते भी सकते ना, वो बनाओ, लेकिन उस वो डोंट पुट माई शोल्डर ऑन योर नीज वगैरह वो मत बनाओ, बहुत रिस्की है, समझो बात को। मुझे पता है आधे कमीने लोग वही वीडियो देखते होंगे, साले का खोपड़ी तोड़ साले, सुधरो सालो सुधरो, क्या आईच्या गावात तुमच्या तर। अरे टिकटॉक है अल्ट बालाजी चालू हो रहा है, मुझे टेंशन आ रहा है, ये रील्स नहीं गाइस, रील्स पे आजकल अल्ट, और एक इंपॉर्टेंट चीज, इंस्टाग्राम ऐसी बहुत सारी रील्स अलाउ करता है जो थोड़े से अलग कॉन्टेंट की है, ऑनेस्टली, क्योंकि उस पर एक ऐसा वीडियो देखा वो एक्चुअली बहुत नेक्स्ट लेवल है, लेकिन नहीं यार